तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के करीबी माने जाने वाले शिवांग सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष और आरजेडी नेता रामायण चौधरी को शराब के मामले में मंगलवार को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। मैरवा थाने में दर्ज शराब के मामले में मैरवा थाना और मुफस्सिल थाने की पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि सितंबर में मैरवा थाने की पुलिस ने अंग्रेजी शराब से लदे एक ट्रक को बिहार उत्तर प्रदेश के बॉर्डर स्थित धरनी छापा चेक पोस्ट से पकड़ा था। इसमें ट्रक के साथ साथ 7 तस्करों को मौके से गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने पूछताछ में रामायण चौधरी के यहाँ डिलीवरी करने की जानकारी दी थी। इसके बाद गिरफ्तार तस्करों के बयान पर थाने में FIR दर्ज किया गया था। इसी केस में छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि चौधरी RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी के करीबी माने जाते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में RJD से टिकट के लिए गोरिया कोठी विधानसभा से दावेदारी पेश की थी, लेकिन टिकट नहीं मिलने के कारण वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे। उसके बाद से तेजस्वी यादव के मनाने के बाद मान गए और अपना समर्थन दे दिया। मेरी जानकारी के अनुसार वो सिवान से 2022 में होने वाले MLC चुनाव लड़ने की तैयारी में है। शराबबंदी से पूर्व वो शराब का कारोबार करता था। उस पर पूर्व से 1.5 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। विभिन्न थाने में दर्ज है, जिसमें शराब से जुड़े कई मामले भी शामिल है। वही आपको बता दें कि मेडिकल जांच के लिए रामायण को सिवान सदर अस्पताल लाया गया है।